दिल्ली की एक अदालत ने सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय और दूसरे नंबर के निदेशक ओपी श्रीवास्तव समेत 6 सहारा पदाधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस वारंट में निवेशकों के पैसे हड़पने और पैसे को फर्जी तरीके से निकालने और भुगतान नहीं करने के जुर्म में सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव के साथ ही प्रशांत वर्मा, गणेश चंद्र पांडे, बसंत वल्लभ पांडे और रंजना कुमारी को दिल्ली की अदालत में तलब किया है। दरअसल पहाड़गंज दिल्ली की एक निवेशक विमला देवी और उनकी बेटी गीतांजलि ने सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड में 6 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट किया था। इस फिक्स डिपॉजिट का 2016 में TDS कटने और पैसे डूब जाने का डर बताकर विमला के खाते को सहारियन यूनिवर्सल सोसाइटी में ट्रांसफर करवा दिया गया था और TDS के नाम पर पैसे काट कर मैनेजर द्वारा रख लिया गया था। गीतांजलि के खाते को फर्जी साइन करवा कर पैसे निकाल लिए गए थे, जिसकी शिकायत दोनों ने स्थानीय पुलिस को दी, मगर प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने पर न्यायालय की शरण में जाकर इनके सोची समझी रणनीति के तहत पैसे हड़पने के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर इन लोगों द्वारा उनके खातों का भुगतान ना देकर टाल मटोल किया जाता रहा और प्रशासन को जांच में सहयोग नहीं किया गया, जिसके कारण न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर पूछताछ करने का आदेश जारी किया है। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।